पुरानी संसद का नवा नाम है संविधान सदन। ये नामकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। पुरानी संसद का आखिरी दिन सी, प्रधानमंत्री मोदी सने सारे सांसद पुरानी इमारत तो नवे संसद भवन गए। मंत्रिमंडल, सांसद, विरोधी धिर के सांसद इकट्ठे चले। इस तो पहला पुरानी इमारत के सेंट्रल हॉल दे विच विदाई समागम रखा गया सी। एक करीब दो घंटे चलिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधे घंटे तो वध वक्त दे लई भाषण दिता। और मेरी प्रार्थना है, मेरा सुझाव है कि अब हम जब नए सदन में जा रहे हैं तब इसकी गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। इसे सिर्फ पुरानी पार्लियामेंट कहकर के छोड़ दें ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए मेरी प्रार्थना है कि भविष्य में अगर आप सहमति दे दोनों महानुभाव तो इसको संविधान सदन के रूप में जाना जाए। ताकि ये हमेशा हमारे रक्षक के लिए हमारी जीवन प्रेरणा बनी रहेगी। और जब संविधान सदन कहेंगे तब उन महापुरुषों का याद भी उसके साथ जुड़ जाएगी जो कभी संविधान सभा में यहां बैठा करते थे, गणमान्य महापुरुष बैठा करते थे। और इसलिए भावी पीढ़ी को ये तोहफा भी देने का अवसर हमें जाने नहीं देना चाहिए। लोकसभा ते राज्यसभा दे सारे मेंबर्स ने सवेरे सेंट्रल हॉल दे एक पासे फोटो सेशन करवाया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत विरोधी धिर अते सत्ता धिर दे सारे सांसद मौजूद रहे। पहला राज्यसभा अते लोकसभा दे सांसदां ने फोटो खिंचवाई अते इस तो बाद ग्रुप फोटो सेशन भी होया। इस दे बाद सेंट्रल हॉल दे विच मोदी देश दे सांसदां दे कोल जाके मिले ते इत्थे राष्ट्रगान होया।